नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड दिवदर्शन में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज हम आपको जोशीमठ, जिसका प्राचीन नाम ज्योतिर्मठ है, और आसपास के दर्शनीय तीर्थ स्थानों के बारे में जानकारी देंगे। हिमालय की गोद में बसा यह स्थान अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान बनाए हुए है। यह भारत के 4 मठों में से एक मठ है। यह स्थान ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर श्री बद्रीनाथ धाम से 44 किलोमीटर पहले है। जोशीमठ कार्तिकेयपुर राजवंश की राजधानी रही है। बाद में इसकी राजधानी अल्मोड़ा के कतियोर घाटी स्थित बैजनाथ बागेश्वर के पास वैद्यनाथ कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर बनाई गई। जोशीमठ से पर्वत श्रृंखलाओं का मनोहर दृश्य दिखाई देता है। सर्दियों के समय में यह पर्वत श्रृंखलाएं बर्फ से ढकी रहती है। जब सूर्य की तेजस्वी किरणें इन पर पड़ती है तो इनकी सुंदरता और बढ़ जाती है। बरसात के मौसम में इन पर्वत श्रृंखलाओं से कई प्राकृतिक जलधाराएं बहती है, जिनका सुंदर नजारा देखने को मिलता है। जोशीमठ मुख्य चौराहा से एक पैदल मार्ग ज्योतिर्मठ तथा दूसरा नरसिंह मंदिर के लिए जाता है। जोशीमठ में भगवान नरसिंह जी का प्राचीन मंदिर भी स्थित है। यहाँ पर भगवान नरसिंह के स्वयंभू विग्रह शालिग्राम विग्रह के दर्शन होते हैं। आदि जगतगुरु शंकराचार्य जी ने भगवान नरसिंह जी की स्थापना की थी। यहाँ पर भगवान नरसिंह की शांत रूप में पूजा होती है। सनत कुमार संहिता में उल्लेख है, यावत विष्णु कला तिष्ठेत ज्योतिष संगे निजालये तावत्तु गमनम बद्री अगम्या चौ ततः परम। जब तक ज्योतिर्मठ जोशीमठ में भगवान नरसिंह जी अपनी कलाओं सहित विराजमान रहेंगे, तभी तक श्री बद्रीनाथ यात्रा सुगम रहेगी। तत्पश्चात बद्री क्षेत्र अगम्य हो जाएगा। यहीं पर शंकराचार्य जी का गद्दी स्थल भी है। श्री बद्रीनाथ जी के कपाट खुलने पर शंकराचार्य जी की गद्दी इसी स्थान से श्री बद्रीनाथ धाम के लिए जाती है। चौराहा से 150 मीटर थोड़ा ऊपर पैदल चल करके ज्योतिर्मठ आता है। आदि जगतगुरु शंकराचार्य जी ने 8 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण कर 4 मठों की स्थापना की और संपूर्ण भारत का परिभ्रमण किया। उत्तर में श्री बद्रीनाथ धाम के समीप ज्योतिष पीठ, पूर्व में जगन्नाथपुरी धाम के समीप गोवर्धन पीठ, पश्चिम में द्वारिकापुरी धाम के समीप शारदा पीठ और दक्षिण में रामेश्वरम धाम के समीप श्रृंगेरी मठ की स्थापना की। उत्तर भारत का यह मठ ज्योतिषपीठ है। इस स्थान पर आदि जगतगुरु शंकराचार्य जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। यहीं पर 2500 वर्ष पुराना अमर कल्प वृक्ष है, जहां पर एक शिवालय है।
यहीं से थोड़ा सा नीचे उतर करके आदि जगतगुरु शंकराचार्य जी की गुफा है, जहां पर बैठ करके शंकराचार्य जी ध्यान किया करते थे। अपने जीवन के 5 वर्ष शंकराचार्य जी ने ज्योतिर्मठ में बिताए। जोशीमठ जिला चमोली का सीमांत नगर पालिका क्षेत्र है। जोशीमठ ब्लॉक के आसपास के गांव का मुख्य बाजार जोशीमठ है। यात्रा सीजन और त्योहार के सीजन में यहां के बाजार में रौनक रहती है। जोशीमठ क्षेत्र के मुख्य फल सेब, नाशपाती, खुमानी, कोलम, संतरे हैं। यहां की राजमा भी प्रसिद्ध है। यहां के गांव में चौलाई की फसल भी होती है। एक दिन में यात्री जोशीमठ और जोशीमठ के समीप दर्शनीय स्थान श्री नरसिंह मंदिर, ज्योतिर्मठ, तपोवन, विष्णुप्रयाग आदि के दर्शन कर सकते हैं। विष्णुप्रयाग श्री बद्रीनाथ जाने वाले मार्ग पर लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जबकि तपोवन मलारी जाने वाले मार्ग पर लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नरसिंह मंदिर और आदि जगतगुरु शंकराचार्य का मठ ज्योतिर्मठ जोशीमठ में स्थित है। हाउ टू रीच जोशीमठ। ऋषिकेश से लगभग 254 किलोमीटर की दूरी पर बद्रीनाथ जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है जोशीमठ। हरिद्वार से जोशीमठ पहुंचने के लिए डायरेक्ट बस सेवा भी है और आप टैक्सी करके भी यहां पहुंच सकते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।